मेरठ में आरटीओ के बाबू को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ लिया है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर ई रिक्शा के डिस्ट्रीब्यूटर पर दबाव बना रहा था। नौचंदी थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। लिसाड़ी गेट के अहमदनगर निवासी अफजाल पर बादशाह कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। उन्होंने बताया कि आरटीओ के बाबू मुंशीलाल उन पर दबाव बना रहे थे, बात नहीं मानने पर फाइल अटका रखी थी। अफजाल ने इसकी शिकायत आरटीओ से भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। एक सप्ताह पहले उन्होंने एंटी करप्शन को लिखित में शिकायत की। एक सप्ताह तक नजर रखने के बाद मंगलवार को टीम ने कार्यवाही की। इस दौरान अफजाल को 7,500 रुपए लेकर आरटीओ भेजा। जैसे ही अफजाल ने बाबू मुंशीलाल को रुपये दिए, तभी टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपित बाबू को पकड़कर टीम नौचंदी थाने ले गई है। हमारे भ्रष्टाचार निवारण संगठन में मिस्टर अहमद अफजाल द्वारा एक शिकायत की गई कि वो आरटीओ ऑफिस में सहायक वरिष्ठ सहायक बाबू उनसे उनकी ई रिक्शा के आरसी बनाने के संबंध में रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद में रिश्वत मांग रहा, 3 रिक्शाओं के बदले 7,500 रुपये रिश्वत मांग रहा है, जिस पर उसने देने के लिए मना करा, लेकिन अगले दिन वो फिर गया तो वो नहीं माने। उसके बाद उसने उसका एक शिकायती प्रार्थना पत्र भ्रष्टाचार निवारण संगठन प्रभारी अधिकारी को दिया, जिस पर उच्चाधिकारीगणों के निर्देशानुसार टीम गठन हुई। टीम गठन के साथ आरटीओ ऑफिस परिसर में वरिष्ठ सहायक बाबू मुंशीलाल जी को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके लाए, जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही, मुकदमा पंजीकरण किया जा रहा। मैं उषा तोमर, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ।